क्या चाहते हैं क्या आगे और भी कुछ अच्छा? देखिए आप एक बात समझिए, हम लोग जो है शिकायतें बहुत करते हैं, कोई भी सरकार होती है तो शिकायतें करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो अच्छा है उसको ध्यान नहीं देते। हमारे देश में अच्छा है, पीछे आ जाइए पीछे आप, और हमारे पास एक वोट नहीं 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 घुसो मत अभी घुसो मत। ये कितने मुल्कों में, अगर एशिया में देखिएगा तो बड़े कम मुल्क मिलेंगे, और जहाँ वो है भी पीछे आ जाइए ना, मैं को ये फौज हुकूमत कर रही है, बाकी वोट वोट पैसे ऊपर से होता रहता है। हमारे यहाँ सचमुच डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो जिस तरह हम सरकार से कहते हैं, ऑपोजिशन से कहते हैं कि वो अपना रोल निभाए, तो नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपना। आप पीछे आ जाए ना, सर पीछे आ जाए प्लीज, आपका पूरा फेस आ रहा है। विधानसभा इलेक्शन होने के बावजूद ज्यादातर, अरे यार इसका फ्रेम खराब करना पड़ेगा, मुद्दे पर ही ज्यादा, विधानसभा चुनाव होने के बावजूद स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा बात या ज्यादा चर्चा नहीं हो पा, इसको लेकर क्या कहें? आपकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, विषय को बात करना चाहे उनका राइट है, आप ये नहीं कह सकते एक विषय पे मत बोलिए, मुझे विषय पे बोलिए, आप किस विषय पे सोचिए आपकी मर्जी है, आप किस विषय पे वोट देंगे आपकी मर्जी है, जो नेता खड़ा हुआ है स्टेट पे वो किस विषय पे बोलना चाहता है उसकी मर्जी। सुनती नहीं यार लड़की, अरे यार मेरा हाथ जहाँ तक जाएगा मैं घूम कर दिखाऊंगी पूरा, क्या करूँ मैं तुम्हारे फ्रेम में आ जाऊँ चलेगा ना? ठीक है आगे से ऐसा रहेगा। ग्रीक का एक मतलब ये है कि जो आदमी वोट ना करे, ग्रीक लैंग्वेज बस इतने। आप मैम आप क्या कहना चाहेंगे? अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो लोकल इश्यूज़ हैं वो लोकल इश्यूज़ आगे कौन सबसे बेहतर बढ़ाएगा, ये चुनाव हम होता है।